गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन एन एस क्यू आई टी क्लासेस। आज हम इसमें जो आई एस क्यू एल सर्वर जो हमारा सेशन चल रहा है, तो इस सेशन में आज हम फॉरेन की बनाना सीखेंगे कि फॉरेन की कैसे क्रिएट की जा सकती है। तो लास्ट टाइम इस सेशन में प्राइमरी की बनाना सीखा था कि प्राइमरी की कैसे बनाते हैं। आज हम इसमें सीखेंगे बेसिकली कि फॉरेन की कैसे बनाते हैं। तो जब भी हम फॉरेन की बनाना चाहते हैं बेसिकली, तो कमांड विल बी यूज क्रिएट टेबल और टेबल का नेम। मान लो आपने टेबल आपने बना दी यहाँ पे मार्क्स के नाम से, ठीक है। तो पहले टेबल का जो भी आपके पास फील्ड है, एक फील्ड आप यूनिक रख सकते हैं, जैसे रोल नंबर डाल दिया आपने, ठीक है। स्टूडेंट का नेम की रिक्वायरमेंट नहीं, अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स हो गए, जैसे हिंदी सब्जेक्ट डाल दीजिए यहाँ पे, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया। मान लो तीन सब्जेक्ट है, तो तीनों सब्जेक्ट के आपने यहाँ पर मार्क्स को इनपुट कर दिया एंड देन इसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो एक टेबल आपके पास क्रिएट हो चुकी है मार्क्स के नाम से। अब हम विद द हेल्प ऑफ ऑल्टर कमांड इसमें फॉरेन की बनाना सीखेंगे। तो फॉरेन की कैसे बना सकते हैं, ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, ऐड फॉरेन की, ब्रैकेट में फील्ड का नेम डाल दो कि किस फील्ड पे आप लगाना चाहते हैं, जैसे रोल नंबर डाल दिया आपने यहाँ पे। देन आफ्टर यूजिंग रेफरेंसेस, ठीक है, मास्टर टेबल का नेम डाल दो। मास्टर टेबल कौन सी होगी, बेसिकली आपके पास स्टूडेंट टू, ठीक है, और ब्रैकेट में उसका फील्ड का नेम आ जाएगा रोल नंबर। इस तरीके से आप इसमें फॉरेन की बना सकते हैं। तो ये फॉरेन की यूज़ करने का तरीका है कि इस टाइप से आप एक फॉरेन की बना सकते हैं, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड फॉरेन की, ब्रैकेट में फील्ड का नेम, रेफरेंसेस स्टूडेंट टू एंड देन आफ्टर रोल नंबर। तो ये जो कमांड है, ये कमांड बेसिकली किसके लिए यूज़ होती है आपके पास, कि जब भी हम एक टेबल को दूसरे टेबल से लिंक करना चाहते हैं, देन वी कैन यूजिंग द फॉरेन की कमांड्स, ठीक है। अब जब भी हम इस टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे, तो कमांड विल बी यूज इंसर्ट इन टू मार्क्स वैल्यूज। तो रोल नंबर वन डाल दिया, अलग अलग सब्जेक्ट के नंबर डाल दो आप इसमें, जैसे 34, 40 एंड 33। जैसे आप इस मार्क्स को डालेंगे, एक रो डल गई। अब मान लो मैं चार नंबर स्टूडेंट की रिकॉर्ड डालना चाहता हूँ, तो देखो एरर आ गई, क्योंकि चार नंबर जो रोल नंबर था उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रखा। तो जब तक आप पहले उस टेबल में रिकॉर्ड नहीं डालोगे मास्टर टेबल के अंदर, फॉरेन की के अंदर, वो रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये कमांड बेसिकली क्या यूज़ है, आपके पास प्राइमरी की बनाना सीखा हमने, और दूसरा क्या यूज़ करना सीख लिया, फॉरेन की बनाना सीख लिया कि फॉरेन की कैसे बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बना लोगे आप, प्राइमरी की बनानी है और दूसरा टेबल जो आपको आपस में कनेक्ट करनी है, वो टेबल के लिए आप क्या बना सकते हो, वहाँ पर फॉरेन की टेबल बना सकते हो। तो ये आपके पास कमांड है प्राइमरी की बनाने के लिए और फॉरेन की बनाने के लिए। अगर आपको और भी कमांड यूज़ करनी है ऑल्टर के साथ, जैसे कोई नया फील्ड एड ऑन करना है, जैसे मान लो स्टूडेंट टेबल के अंदर मेरे को कोई फील्ड ऐड करना है, तो कमांड में क्या यूज़ करूँगा, ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम। अब टेबल का नेम मान लो मैंने डाल दिया स्टूडेंट टू, ठीक है, ऐड, ठीक है, कॉलम का नेम डाल दो, जो भी कॉलम आपको ऐड ऑन करना है, जैसे कि मान लो मुझे आधार कार्ड नंबर ऐड करना है, तो मैं क्या डाल दूंगा, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड आधार कार्ड, उसका डेटा टाइप डाल दो यहाँ पे वर्कर, और 20 साइज का मैंने ये आधार कार्ड का टाइप ले लिया। तो अगर आप देखोगे तो मेरा ये जो कमांड से ये एड ऑन हो गई यहाँ पे, एक मिनट रुकिए, हाँ ये कमांड मेरी यहाँ पे यूज हो गई, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड आधार कार्ड, वर्कर टू। अब मैं अगर उस टेबल का स्ट्रक्चर देखूंगा तो वहाँ पे कमांड क्या यूज़ करेंगे, डिस्क्राइब, अभी हमने यूज़ किया था डिस्क्राइब, और टेबल का नेम डाल दीजिए स्टूडेंट टू, ठीक है। तो स्टूडेंट टू टेबल जैसे ही डालोगे आपके पास यहाँ पे, तो वहाँ पे आपके पास स्पेलिंग सही करना, तो वो टेबल आ गई। तो एक और नया फील्ड एड ऑन हो गया, अगर आप देखो तो आधार कार्ड के नाम से वर्कर 20, ठीक है। ऐसे कोई फील्ड हटाना चाहते हैं तो कमांड विल बी यूज ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम, और कॉलम का नेम डाल दो, कॉलम का नेम क्या हो गया, आधार कार्ड हो गया। तो ये आपके पास कमांड क्या है, ड्रॉप करने की कमांड है। मतलब आप कोई भी नया फील्ड ऐड भी कर सकते हैं, किसी फील्ड को हटाना चाहो हटा भी सकते हो,
अब उस रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो डिस्क्राइब और टेबल का नाम डाल दोगे आप स्टूडेंट टू। तो आप देखो अब आधार कार्ड क्या हो गया वहाँ पे रिमूव हो गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपको इनको प्रैक्टिकली यूज़ करके देखना है कि कोई भी फील्ड ऐड कैसे किया जा सकता है। अगर कोई फील्ड ऐड कर दिया आपने देन उस फील्ड को आप हटा कैसे सकते हैं, दोनों चीज़ आपको आनी चाहिए, ऐड करनी भी और हटानी भी। ऐसे किसी फील्ड का अगर साइज चेंज करना है, ठीक है, तो साइज चेंज करने के लिए कमांड क्या यूज करते हैं, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऑल्टर कॉलम, यानी यहाँ पे क्या लगाओगे, ऑल्टर कॉलम, कॉलम का नाम डाल दो। अब कॉलम का नाम क्या बनाना चाहते हैं, किसका टाइप आपको चेंज करना है, जैसे स्टूडेंट नेम का साइज आपको चेंज करना है, तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम डाल दिया, इसका टाइप डाल दिया आपने कैर, और मान लो आपको 30 साइज इसका असाइन करना है, मतलब पहले साइज कितना था 20 है, अब 20 की बजाय आप साइज क्या रखना चाहते हैं 30 करना चाहते हैं, तो ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऑल्टर कॉलम, कॉलम का नेम, और उसका टाइप डाल दो कि क्या टाइप रखना है, एंड देन फिर उसका साइज असाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये मैनुअली एसक्यूएल सर्वर वर्जन सपोर्ट नहीं कर रहा इसको, कैर 30 को, ठीक है। तो आप इस टाइप से मतलब उसको मॉडिफाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस कमांड से हम दोबारा यूज़ कर लेंगे। तो ऐड करना आ गया आपको, डिलीट भी करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं कोई फील्ड, तो ड्रॉप कमांड यूज़ कर देना। फॉरेन की बनानी है तो फॉरेन की बना सकते हैं, प्राइमरी की बनानी है प्राइमरी की बना सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, आपको आज एक नई टेबल बना के देखनी है, नई टेबल के अलावा आप उसमें प्राइमरी की बनाना यूज़ करेंगे, प्राइमरी की का मीनिंग आपको मैंने बता ही दिया था लास्ट सेशन में। प्राइमरी की के अलावा आपको यहाँ पे फॉरेन की बनानी है, दोनों टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखने हैं। रिकॉर्ड इंसर्ट करने के बाद आपको दो और अल्टर कमांड मैंने आपको बताई हैं, एक नया फील्ड ऐड करने के लिए और एक कोई भी फील्ड को ड्रॉप करने के लिए। तो ओके स्टूडेंट, दैट इज़ अवर दिस वन सेशन, जिस सेशन में हमने ये यूज़ करना सीखा कि आप कमांड इन द माई एसक्यूएल कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज का सेशन यही था, नेक्स्ट वन सेशन हम दोबारा से फिर से यूज़ करेंगे। तो ओके स्टूडेंट, दैट इज़ अवर दिस वन सेशन।